नमस्कार, आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्रीय संगठन पर। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्रीय संगठन एक ऐसा विषय है जिसके विषय में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हैं कि भारत में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और ये विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं से परे है। परंतु कई बार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो इस विषय को इन कक्षाओं में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं, वे इसके संगठनात्मक जानकारी के अभाव में इसकी विषय वस्तु को परंपरागत रूप से या तो विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में पढ़ा देते हैं या कई बार इसे सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में पढ़ा देते हैं। पर उनको यदि इसकी जानकारी दी जाए कि ये विषय एक संगठित विषय है, एक समन्वित विषय है जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं से परे है, तो मुझे आशा है कि वो इस विषय को और बेहतर ढंग से अपनी कक्षाओं में पढ़ा पाएंगे। इसी उद्देश्य से आज हम आपसे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्रीय संगठन पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक संगठित अध्ययन क्षेत्र के रूप में पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु को कई विषयों से लेता है। ये कुछ विषय वस्तु विज्ञान से लेता है, कुछ विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान से लेता है, कुछ विषय वस्तु पर्यावरण शिक्षा से लेता है, परंतु अपने आप को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करता है। अर्थात यह केवल एक पाठ विज्ञान से ले लेना, दूसरा पाठ सामाजिक विज्ञान से ले लेना, तीसरा इकाई पर्यावरण शिक्षा से ले लेना, ऐसे संगठित नहीं हुआ है। वरन एक विषय वस्तु को इन विषयों से लेकर, एक ही विषय वस्तु से संबंधित प्रकरणों को इन विषय वस्तुओं से लेकर, इन अलग अलग विषयों से लेकर फिर उसको समन्वित रूप से इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए ये विषय अपनी विषय क्षेत्र को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से लेने के बावजूद अपने आप को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करता है। यदि आप पर्यावरण अध्ययन विषय में जिस प्रकार से पाठ्य वस्तु का, विषय वस्तु का संगठन हुआ है उसको देखेंगे और यदि आप उसका मूल्यांकन, आकलन और विवेचन करेंगे, तो आप पाएंगे कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु का 5 प्रकार से संगठन किया गया है। संगठन का पहला आधार है अधिगम प्रक्रिया, दूसरा आधार है भाव या संवेग, तीसरा आधार है मूल्य और चरित्र निर्माण, चौथा आधार है अधिगम का वास्तविक जीवन से संबंध और 5वां आधार है विषय क्षेत्रों का संगठन। जब हम अधिगम प्रक्रिया के संगठन की बात कर रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको यह समझना परम आवश्यक है कि अधिगम प्रक्रिया के संगठन के रूप में पर्यावरण अध्ययन कैसे संगठित है। आप सामान्य तौर पर जब विषय देखते हैं तो विषयों का संगठन कैसा होगा यह उसकी विषय वस्तु तय करती है। किसी विषय में जो विषय वस्तु है वह निर्धारित करती है कि उसमें पाठ्यक्रम का और विषय वस्तु का संगठन कैसा होगा। परंतु यदि आप पर्यावरण अध्ययन की अधिगम प्रक्रिया को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की जो अधिगम प्रक्रिया है, जो पढ़ने लिखने का तरीका है, जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, उसमें विषय वस्तु केंद्र में नहीं रहती, उसमें बालक के अनुभव केंद्र में रहते हैं। इसलिए यहां पर जो आधार है विषय वस्तु के संगठन का, वो अधिगम प्रक्रिया का आधार विषय वस्तु नहीं है, उस अधिगम प्रक्रिया का आधार बालक के अनुभव है। जैसे कि एक उदाहरण है, एक पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन की एक पाठ दिया है, हमारे मित्र जंतु। उस पाठ में पक्षियों की बात की गई है, पालतू जीवों की बात की गई है, पालतू जीवों और पक्षियों के साथ हमारे कैसे संबंध होते हैं इसकी बात की गई है, पक्षियों की खाद्य आदतों की बात की गई है और विभिन्न जंतुओं की आपस में क्या निर्भरता है, भोजन की दृष्टि से क्या निर्भरता है, समाज में रहने की दृष्टि से क्या निर्भरता है, पर्यावरण में उनके आपस में क्या निर्भरता है, इन सारे पक्षों को समावेशित किया गया है। तो ये सारे पक्ष बालक के अनुभव से होते हैं। जो प्राथमिक कक्षा में आपका विद्यार्थी पढ़ने आ रहा है, जो कक्षा 3, 4, 5 का विद्यार्थी है, वो पक्षियों के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करता है, पक्षियों से किस प्रकार के अनुभव ग्रहण करता है, उसके परिवार में, घर में, आसपास जो पालतू जीव जंतु हैं उसके साथ उसकी कैसी अंतःक्रिया होती है, उनके संबंध में उसके क्या अनुभव हैं, पक्षियों की खाद्य आदतों को उसने क्या अनुभव देखा है, क्या अवलोकन किया है, विभिन्न जंतुओं के साथ उसकी क्या निर्भरता है, इन सारे पक्षों को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का संगठन किया गया है, अर्थात
विषय वस्तु का संगठन बालक के उस शीर्षक या प्रकरण से संबंधित अनुभव है, ना कि विषय वस्तु। दूसरा जो संगठन का आधार है वह है भावों और संवेगों का संगठन। जब हम पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को देखते हैं तो पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसमें जो प्रस्तुति की गई है, यदि आप पाठ्यपुस्तक भी देखें पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में जो विषय वस्तु की प्रस्तुति है वो एक परंपरागत पाठ के स्वरूप से भिन्न है। आप देखिए वहां कहानियों का प्रयोग हुआ है, वहां कविताओं का प्रयोग हुआ है, वहां कोई पुरानी जो लोक कथाएं हैं उनका प्रयोग हुआ है। उनका प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि लोक कथाएं, कहानियां और कविताएं केवल विषय वस्तु आपको प्रदान नहीं करती, आपके संवेदनाओं को, आपके भावों को जन्म देती हैं, आपके भावों को विकसित करती हैं। तो विषय वस्तु को भावों के रूप में भी संगठित किया गया है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक विषय है बदलते परिवार। इस पाठ को जब आप देखेंगे, एक पूरी कहानी है, और उस कहानी का यदि आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे वहां परिवार के सदस्य कौन होते हैं, परिवार के सदस्यों का और संबंधियों के साथ आपका क्या संबंध होता है, बच्चों का जन्म किस प्रकार होता है, बच्चों के जन्म और विवाह से संबंधित संस्कार क्या होते हैं, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के प्रति भी संवेदित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात जब पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का संगठन किया गया तब इस बात को ध्यान में रखा गया कि इस विषय वस्तु के माध्यम से बच्चों के जो सांवेगिक पक्ष हैं, उनके व्यवहार का जो सांवेगिक पक्ष है, जो भावनात्मक पक्ष है, उसका भी विकास हो, और उसको विकास करने के लिए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कहानियां, कविताएं, लोक कथाएं ऐसे प्रयोग किए गए। आप पाठ्यपुस्तक को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह अपने आप में एक अभिनव प्रयास है। तीसरा जो संगठन है विषय वस्तु का पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में वह है मूल्य निर्माण और चरित्र निर्माण के आधार पर। यह बड़ी विचित्र स्थिति और बहुत लंबे समय तक इस पर विवाद रहा कि मूल्य शिक्षा एक विषय होना चाहिए या विभिन्न विषयों और विषय वस्तु के साथ मूल्य शिक्षण होना चाहिए। अधिकांश शिक्षा शास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि मूल्य शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाने से मूल्यों का विकास नहीं हो सकता, नैतिक शिक्षा पढ़ाने से चरित्र का विकास नहीं हो सकता, वरन मूल्य निर्माण और चरित्र निर्माण प्रत्येक विषय की विषय वस्तु का अंग होना चाहिए, उसके अंदर समाहित होना चाहिए, इसकी कोई अलग विषय वस्तु नहीं हो सकती। तो जब पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का संगठित किया गया, यदि आप पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें देखें, चाहे कक्षा 3 की देखें, 4 की देखें, 5 की देखें, आपको ऐसे बहुत सारे पाठ मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि पाठ पढ़ते पढ़ते बच्चे ना केवल पर्यावरण अध्ययन के उन संप्रत्ययों को समझ रहे हैं, वरन उनके साथ साथ उनमें मूल्य निर्माण और चरित्र निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। जैसे एक पाठ है, यह कार्य कौन करेगा। यदि आप उस पाठ को देखेंगे तो उस पाठ में विभिन्न सामाजिक बुराइयों पर चोट की गई है, जैसे छुआछूत पर, जाति प्रथा पर, और साथ ही पारिवारिक व्यवसायों के प्रति भी बच्चों को संवेदित किया गया है। तो छुआछूत और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों पर चोट करते हुए पारिवारिक व्यवसायों जैसी विषय वस्तु को संवेदनापूर्वक प्रस्तुत करना, यह मूल्यों और चरित्रों के निर्माण की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। और पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों में विभिन्न भावों को, मूल्यों को, चरित्रों को विषय वस्तु के साथ साथ विकसित करें और उनके चरित्र निर्माण में योगदान दें। जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु आप देखेंगे, यदि आप पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को देखें, पाठ्यपुस्तकों को देखें, तो आप पाएंगे कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु को, अधिगम को वास्तविक जीवन से संगठित किया गया है, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ा गया है। विषय वस्तु को इस प्रकार संगठित किया गया है कि बच्चे के जीवन की गुणवत्ता उन्नयन के लिए उनको उनके आसपास के परिवेश और जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से विषयों से परिचित कराया जाए। इसका लाभ ये है कि उनको विषय वस्तु अमूर्त रूप में नहीं मिलती, वरन उनके सामने जो विषय वस्तु हम प्रस्तुत करते हैं वो बहुत जीवंत स्वरूप में होती है, वो मूर्त रूप में होती है, वो उनके उन अनुभवों से जुड़ी होती है जो अनुभव वो रोज लेते हैं, रोज अपनी कक्षा में अनुभव करते हैं, कक्षा के बाहर अनुभव करते हैं, परिवार में अनुभव करते हैं, मित्रों के साथ मैदान में खेलते हुए अनुभव करते हैं, घर के बड़ों के साथ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हुए अनुभव करते हैं। तो विषय वस्तु को इस प्रकार संगठित करना, विषय वस्तु में इस प्रकार के उदाहरणों का समावेश करना कि वो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हों, यहाँ आपकी एक महती जिम्मेदारी है। सामान्य तौर पर जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें हैं, कुछ स्थानों पर वे आदर्श पाठ्यपुस्तकों के रूप में या तो एनसीईआरटी की प्रकाशित पाठ्यपुस्तकें प्रयोग हो रही हैं या उनके आधार पर बनी पाठ्यपुस्तकें प्रयोग हो रही हैं। लेकिन आप उन पाठ्यपुस्तकों से जब पाठ को लेते हैं, उस पाठ के शिक्षण अधिगम की जब योजना बनाते हैं,
तब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनका स्थानीयकरण करिए, उसमें जो उदाहरण है उनका जरा विश्लेषण करिए और देखिए क्या कि ये उदाहरण मेरे बच्चों के ने कभी देखा होगा। जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि यदि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पत्तियों के प्रकार से जुड़ा प्रकरण है और वहां पर पीपल की पत्ती का एक उदाहरण दिया गया हो किसी पाठ्य पुस्तक में, और यदि हम सुदूर कहीं लद्दाख में बैठे हों और वहां के विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हों, तो क्या बच्चों ने पीपल की पत्ती को कभी देखा है? शायद नहीं देखा होगा। क्या केरल के बच्चों ने उत्तराखंड की सीढ़ीदार खेती कभी देखी है? शायद नहीं देखी होगी। तो जब इस प्रकार के उदाहरण यदि पाठ्य पुस्तक में है किसी संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए जो बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से परे हैं, तो आपको या तो उनको वैसे अनुभव कराने की व्यवस्था करनी होगी या ऐसे उदाहरण उनकी जगह प्रयोग करने होंगे जो उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने में तो काम आए लेकिन वो ऐसे उदाहरण हों जिन्हें उन्होंने अपने आसपास देखा हो। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करते समय आपको अधिगम की जितनी भी प्रक्रिया आप निर्धारित करते हैं उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। फिर आता है विषय क्षेत्रों का संगठन। पर्यावरण अध्ययन में विषय क्षेत्रों का दो प्रकार से संगठन देखा जा सकता है। विषय क्षेत्रों से संगठन के दो तरीके हैं। एक तरीका है सभी विषयों से समान पक्षों का चयन कर लेना और उनका चयन करने के बाद बच्चों और समाज की आवश्यकताओं तथा समस्याओं के साथ उनको संबद्ध करना। जैसे पर्यावरण अध्ययन में यदि आप देखें तो जो शीर्षक या प्रकरण लिए गए हैं, चाहे वो जल है, चाहे वो आवागमन है, चाहे वो आवास है, चाहे वो भोजन है, इन सारे शीर्षकों पर जो विषय वस्तु ली गई है वो विज्ञान से भी ली गई है, सामाजिक विज्ञान से भी ली गई है, लेकिन शीर्षक समान है। यदि जल शीर्षक पर है तो विषय वस्तु विज्ञान से भी जल के संबंध में आई है, विषय वस्तु सामाजिक विज्ञान से भी जल के संबंध में आई है। यदि आवागमन शीर्षक है तो विषय वस्तु आवागमन की विज्ञान से भी आई है, जहां हम बहुत सारे ईंधनों का अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही सामाजिक विज्ञान से भी आई है, जहां हम प्रदूषण का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम विभिन्न आवागमन के साधनों का अध्ययन कर रहे हैं, जहां जलीय क्षेत्रों में रहने वालों का क्या आवागमन का साधन है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों का क्या आवागमन का साधन है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र को तय करते समय हम ऐसी विषय वस्तु का चयन करते हैं जो समान हो, उसकी विषय वस्तु समान हो और विभिन्न विषयों की सीमाओं से परे वो अन्य विषयों में भी उनको स्थान प्राप्त हो। अब प्रश्न ये उठता है कि पर्यावरण अध्ययन के हेतु आपको कैसी शिक्षण व्यवस्था करनी है, कैसी शैक्षणिक व्यवस्था करनी है। मैं सदैव कहता हूँ अपने पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से, वे शिक्षक जो अपनी कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाते हैं, पहला सूत्र है बच्चे के पर्यावरण को उसके अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो। अर्थ क्या है इस सूत्र का? इस सूत्र का अर्थ ये है कि बच्चा जितना भी अधिगम करे, अधिक से अधिक अधिगम वो अपने परिवेश में करे, वो अपने पर्यावरण में करे, अपने चारों ओर जो अनुभव ग्रहण करता है उन अनुभवों से उसको ज्ञान मिले, उस पर्यावरण में उसको आश्चर्यचकित होने दो, उसको पर्यावरण से संबंधित अनुभवों के प्रश्न करने दो, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करो। अर्थात बच्चे के पर्यावरण को उसके अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने भी यही कहा है। उसकी खोज को प्रोत्साहित करो और खोज उसकी अज्ञात से ज्ञात से अज्ञात की ओर हो और उसकी खोज प्रत्यक्ष से अमूर्त की ओर हो। उसकी अधिगम की रूपरेखा वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अभी मैं इसकी बात कर रहा था, विषयों के मध्य और विषयों के परे जाकर कड़ियां जोड़ना, यह आपको करना होगा। आपको वार्तालाप और प्रश्नों को प्रोत्साहित करना होगा। ये कुछ मूल सूत्र हैं। चलिए हम इन सूत्रों पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जब हम बात करते हैं पर्यावरण अधिगम को पढ़ाने के लिए, पर्यावरण को बच्चे के अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो, जब ये बात मैं कहता हूँ तो मैं इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक मिश्रित विषय है। मिश्रित विषय से हमारा तात्पर्य है ये एक ऐसा विषय है जिसमें विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण विज्ञान भी है। इसलिए ये विषय तो मिश्रित है लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु बच्चों के अनुभव हैं। क्योंकि जब हम संगठनात्मक आधारों की बात कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का संगठन विषय वस्तु आधारित नहीं, अनुभव आधारित है। और बच्चों को अनुभव कहां से मिलेगा? बच्चों को अनुभव अपने परिवेश से, अपने पर्यावरण से मिलेगा। और बच्चों के अनुभव विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंधे नहीं होते, उनके अनुभव इन सीमाओं से परे होते हैं। यदि बच्चा जल के एक स्रोत को देखता है तो वो केवल स्रोत को नहीं देखता, वो एक तालाब को देखता है,
तालाब के किनारे की वनस्पतियों को देखता है, तालाब में पाई जाने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों को देखता है, वो देखता है कि तालाब का जल स्वच्छ है या अस्वच्छ है, क्या तालाब का जल पीने योग्य है या नहीं है, वो एक समग्र अनुभव लेता है। पर्यावरण अध्ययन उन्हीं समग्र अनुभवों को देने की बात करता है। वो ये नहीं कहता कि एक बच्चा जब तालाब के किनारे जाएगा तो सबसे पहले वो उसमें से पानी निकालकर उसका परीक्षण करेगा, इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियों के कौन से प्रकार हैं, घुलनशील अशुद्धियाँ कौन सी हैं, अघुलनशील अशुद्धियाँ कौन सी हैं, इससे कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, इसमें कौन से जीवाणु या विषाणु पाए जाते हैं, इस प्रकार का अध्ययन नहीं कराते हम पर्यावरण अध्ययन में। अर्थात पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो मिश्रित है, बच्चों के अनुभवों से जुड़ी है और अनुभव उनके वास्तविक जीवन से जुड़े हैं, और जो अनुभव वास्तविक जीवन से जुड़े हैं उनको सामाजिक संदर्भों में लेकर जाइए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को जरा कक्षा से बाहर निकाल कर देखिए, परिवार के साथ सहयोग, समुदाय के सदस्यों के साथ सहयोग, सामुदायिक संस्थाओं के साथ सहयोग, जरा सहयोग और सहभागिता आधारित शिक्षण का नियम बनाइए, उसकी व्यवस्था करिए, तब आप पर्यावरण अध्ययन को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब हम दूसरे सूत्र की बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु का संगठन ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर हो, तो ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत छोटी आयु के होते हैं, कक्षा 3 में 7-8 वर्ष का बच्चा होता है, उस आयु में बच्चे कठिन और अमूर्त विषयों को समझ नहीं सकते, उनकी क्षमता उतनी विकसित नहीं होती। इसलिए यदि आप उनको नया संप्रत्यय सीधे प्रदान कर देंगे और ऐसा संप्रत्यय प्रदान कर देंगे जो उनके अनुभव से जुड़ा नहीं है, जो उनके अनुभव और पूर्व ज्ञान से परे है, जो उनको अज्ञात है, जो एक अमूर्त संप्रत्यय है, उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को आप ऐसे पढ़ाइए कि वह विषय वस्तु पहले उनके अनुभव और पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो, उससे जोड़कर ही आप नए संप्रत्ययों को प्रस्तुत कीजिए। जैसे यदि आपको किसी पाठ में पौधों के भाग पढ़ाने हैं और आप सीधे कहें कि एक पौधा होता है, पौधे के कुछ भाग होते हैं, एक जड़ होता है, एक तना होता है, एक पत्ती होती है, एक पुष्प होता है, एक कली होती है, एक शाखा होती है, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन यदि आप बच्चों से कहें कि आप भोजन में क्या क्या खाते हैं, पौधों से आपको भोजन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कोई बच्चा कहेगा मैं मेवा खाता हूँ, कोई बच्चा कहेगा मैं सब्जियाँ खाता हूँ, कोई बच्चा कहेगा मैं फल खाता हूँ, जरा उन सब्जियों फलों के नाम ले लीजिए। उन सब्जियों और फलों के नाम आप लेंगे तो वो आम की बात भी करेंगे, अमरूद की बात भी करेंगे, सेब की बात भी करेंगे, वो पालक के पत्तों की बात भी करेंगे, वो सरसों के साग की बात भी करेंगे, वो मूली गाजर और शलजम की बात भी करेंगे। अब जरा इन अनुभवों, इन जो जो उन्होंने अपने आसपास देखा है, अब इसके आधार पर जरा उनको बताइए ना, पत्ता क्या होता है, फल क्या होता है, जड़ क्या होती है। तो जड़ जैसा अमूर्त संप्रत्यय सीधे नहीं दीजिए, जड़ जैसा संप्रत्यय देने के लिए पहले उन्होंने जड़ जो देखी है उन जड़ों के उदाहरण दीजिए, फिर अन्य पौधों की जड़ों से उनका परिचय कराइए। यही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाइए और मूर्त से अमूर्त की ओर जाइए। अगला जो बिंदु है, जो अधिगम है, वो वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए। जब हम अधिगम के वास्तविक जीवन पर आधारित होने की बात करते हैं, तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि बच्चों को वो उदाहरण दीजिए जो स्थानीय तौर पर उनके सामने उपलब्ध हैं। ऐसे उदाहरण बच्चों को मत दीजिए जो पुस्तकीय उदाहरण हैं परंतु बच्चों ने वो कभी नहीं देखे, बच्चों ने उनका कोई अनुभव नहीं किया, बच्चों के अनुभवों से परे हैं। जैसे यदि आप जलीय पौधे पढ़ा रहे हैं, स्थलीय और जलीय पौधे, यदि आपकी कक्षा के बच्चों ने कभी जलीय पौधे नहीं देखे हैं तो आपके लिए संप्रत्यय पढ़ाना बहुत कठिन हो जाएगा। आप केवल पौधों के प्रकार पढ़ा करके नहीं पढ़ा सकते, आपको उनको तालाब के पास ले जाना होगा, तालाब के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं वो एक पौधा निकाल कर दिखाना होगा स्थानीय स्तर पर। तो वो उदाहरण दीजिए जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। बच्चों के पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अवधारणाएं प्रस्तुत कीजिए। उनके जो सामाजिक संदर्भ हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो त्यौहार हैं, उनसे जरा जोड़िए पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन को ऐसे पढ़ाना चाहिए, घर के बहुत सारे सदस्यों से वो जो बातचीत करते हैं, वो माता पिता से जो बातचीत करते हैं, दादा दादी से बातचीत करते हैं, समुदाय में अन्य सदस्यों से बातचीत करते हैं, अपने शिक्षकों से बातचीत करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर धर्म गुरुओं से बातचीत करते हैं, उन सबसे बातचीत के आधार पर उनके जो संप्रत्यय विकसित होते हैं, उन संप्रत्ययों का प्रयोग करिए पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए।
उनके ज्ञान को संसाधन के रूप में प्रयोग कीजिए, तब आप पर्यावरण अध्ययन को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। ऐसा ही एक और विषय है, एक और सूत्र है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आपको विषयों के मध्य और विषयों के पार जाकर उनकी कड़ियाँ जोड़नी होती हैं। ऐसी पाठ्य योजनाएँ बनाइए जो विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंधी नहीं हों। यदि आप जल की पाठ्य योजना बना रहे हैं, यदि आप आवागमन की पाठ्य योजना बना रहे हैं, या आप आवास पर कोई पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो वो पाठ्य योजना केवल वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में या केवल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बनाई जाए, बल्कि वो समन्वित रूप से बनाई जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को वो जिस भी विषय वस्तु का चयन कर रहा है शिक्षण अधिगम के लिए, उस विषय वस्तु के विभिन्न विषयों के बीच क्या संबंध है उसका भी ध्यान रखना होगा, और विषयों से परे कितना जा सकता है, विषयों की सीमाओं से आगे कितना जा सकता है, ये उसको देखना होगा। इसलिए सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के बीच एक साझा अंतरापृष्ठ है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन इंटरेस्ट है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो निकालिए और वो बच्चों के सामने प्रस्तुत कीजिए। इसीलिए विषय वस्तु को कभी भी अवधारणा आधारित नहीं बनाइए, कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट नहीं देना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा भी इस पर बहुत जोर से और बहुत विस्तार से बल देती है। वो कहती है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने वाले शिक्षक को अवधारणा आधारित ज्ञान नहीं देना है, संप्रत्यय आधारित ज्ञान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट आधारित ज्ञान नहीं देना है, थीम आधारित ज्ञान देना है। हम थीम आधारित विषय की चर्चा किसी दूसरे सत्र में करेंगे, प्रकरण आधारित ज्ञान देना है, थीम आधारित है, इसलिए उसकी विषय वस्तु को थीम के आधार पर संगठित भी किया गया है। तो विषय वस्तु को अवधारणाओं से पढ़े ले जाकर अनुभवों से जोड़िए। यदि उनके अनुभवों को आप संगठित कर देंगे तो अवधारणाओं का निर्माण तो वे स्वयं कर लेंगे, और यही तो संरचनावादी लोग कहते हैं। संरचनावाद क्या है? संरचनावाद यही कहता है कि बच्चे को अपनी अवधारणा स्वयं विकसित करने दो, उसको अनुभव दो, उसको अवलोकन करने दो, उसको प्रयोग करने दो, उसको खोज करने दो, उसको अपनी अवधारणाओं का स्वयं निर्माण करने दो। वो आपको ऐसा अवसर प्रदान करना है, विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि जो विषयों और अवधारणाओं की सीमाओं से परे हों, ताकि वे बच्चे अपनी अपनी अवधारणाएं स्वयं विकसित कर पाए। अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को अपनी कक्षा में विषय वस्तु प्रस्तुत करते समय वार्तालाप और प्रश्नों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वार्तालाप और प्रश्नों को प्रोत्साहन देने की जब हम बात करते हैं, बच्चों से केवल अध्यापक का निरंतर वार्तालाप नहीं हो, बच्चों का बच्चों से वार्तालाप हो। छोटी छोटी सामूहिक क्रियाएं कराइए, बच्चे आपसे जो भी प्रश्न पूछें, जो भी उत्सुकता प्रस्तुत करें, जो भी विचार आपके सामने लाएं, उनको प्रस्तुत करने दीजिए, उनको प्रोत्साहित करिए, बच्चों के विचारों को, उत्सुकताओं को, प्रश्नों को। प्रश्नों के तत्काल उत्तर मत दीजिए, बच्चों से कहिए कि वो उसके उत्तर स्वयं खोजें, बच्चों को उसके उत्तर खोजने दीजिए। यदि आप बच्चों को उत्तर खोजने का अवसर देंगे, तब बच्चे बेहतर ढंग से विषय वस्तु को समझ पाएंगे। यदि आपको लगता है कि बच्चे शिथिल हो रहे हैं, बच्चे प्रश्न आपसे नहीं कर रहे हैं, तो आप बच्चों से प्रेरक प्रश्न करिए। ऐसे प्रश्न करिए जिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए वो विवश हों, और जब वे उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे, खोज करेंगे, तो वे स्वतः विषय वस्तु में आगे बढ़ेंगे। उन्हें अपने साथियों से चर्चा करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करिए। उन्हें उनके समुदाय के जो अन्य सदस्य हैं उनसे बातचीत के लिए प्रोत्साहित करिए। वो अपने माता पिता से बातचीत करें विषय वस्तु के विषय में, वे अपने साथियों से बातचीत करें, अपने गुरुजनों से बातचीत करें, अपने समाज में अन्य जो लोग हैं उनसे बातचीत करें। यदि आप जल जनित बीमारियों के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बातचीत किसी चिकित्सक से कराइए जिससे वो मिलते हैं। यदि आप मिट्टी के प्रकारों और फसल चक्र की बात कर रहे हैं, किसी के पिताजी अच्छे किसान हैं, उनको बुलाइए, उनसे चर्चा कराइए। सारी विषय वस्तु केवल कक्षा में शिक्षक को ही प्रदान नहीं करनी है। पर्यावरण अध्ययन में ये कहीं कहा ही नहीं गया है। पर्यावरण अध्ययन की यही तो विशेषता है, यही विशिष्टता है कि जो आसपास संसाधन उपलब्ध हैं, बच्चे का जो अपना ज्ञान है, बच्चे के निकटजनों का ज्ञान है, उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करिए, उनको प्रोत्साहित करिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप पर्यावरण अध्ययन के एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। परंतु जब हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्रीय संगठनों का यदि हम एक बार पुनः अवलोकन करें और ये देखें कि पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार से काम करता है,
तो हम ये पाएंगे कि मैंने आपको जितने भी उदाहरण दिए उन सब में यदि मैं फिर से पुनरावृत्ति करूं, मैंने आपसे अधिगम प्रक्रिया के संगठन की बात की, लेकिन मैंने कहा कि अधिगम प्रक्रिया अनुभव आधारित होनी चाहिए, अवधारणा आधारित नहीं होनी चाहिए। यदि मैं भावों और संगठनों के विषय में पुनः आपसे बात करूं, तो मैंने आपसे कहा कि जब पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आप प्रस्तुत करें तो उनमें भावों का विकास होना चाहिए। इसके लिए आप विभिन्न प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। आप कविताओं का प्रयोग करिए, आप कहानियों का प्रयोग करिए, आप लोक कथाओं का प्रयोग करिए, उसके माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत करिए। जब हम मूल्यों और चरित्र के संगठन की बात करते हैं तो मूल्यों और चरित्रों को विषय वस्तु के अंदर समाहित कीजिए ताकि आपको अलग से मूल्य शिक्षा की आवश्यकता ना पड़े। अधिगम को उनके वास्तविक जीवन से जोड़िए। वो जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो जो अनुभव करते हैं, उनके चारों ओर जो समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिवेश है, उस परिवेश में वो जो देखते हैं, समझते हैं, उससे जोड़कर उनको ज्ञान दीजिए। और विषय क्षेत्रों का संगठन इस प्रकार करिए कि आपके द्वारा दी जाने वाली विषय वस्तु विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंध कर न रह जाए, बल्कि उनसे परे हो। यदि आप ऐसा करेंगे तभी आप पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु को किस प्रकार संगठित किया गया है उसी उद्देश्य को कक्षा में पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप क्या करते हैं, किस प्रकार आप विषय वस्तु को समझते हैं, किस प्रकार जो पाठ्य वस्तु पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसका आप विश्लेषण करते हैं। क्या आपने कभी इस दृष्टि से उसका विश्लेषण का प्रयास किया है कि इसमें विषय वस्तु का संगठन किस प्रकार किया गया है? संभवतः नहीं किया होगा। मैं चाहता हूं इस परिचर्चा को सुनने और देखने के बाद आप अपनी पाठ्यपुस्तक अपने समक्ष रखें, किसी एक प्रकरण को उठाएं और ये देखें कि उस प्रकरण में जो विषय वस्तु संगठित की गई है उसमें अनुभवात्मक संगठन किस प्रकार से है, भावों और संवेगों का संगठन किस प्रकार से है, मूल्य और चरित्र निर्माण का प्रयास कैसे किया गया है, वास्तविक जीवनों को कैसे संगठित किया गया है और विषय क्षेत्रों का संगठन किस प्रकार किया गया है। इन सारे आधार पर उसका विश्लेषण करिए, तब आप समझ पाएंगे कि पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं से परे क्यों माना जाता है, क्यों ये कहा जाता है कि इसको विषयों की सीमाओं में मत बांधिए, क्यों ये कहा जाता है कि इसको संप्रत्ययों और अवधारणाओं के आधार पर मत पढ़ाइए, इसको अनुभवों के आधार पर पढ़ाइए। मुझे आशा है कि ये परिचर्चा सुनने के बाद आप ऐसा प्रयास करेंगे और आप इस प्रकार का विश्लेषण करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक समन्वित विषय के रूप में क्यों रखा गया और इसको रखने के पीछे क्या उद्देश्य थे। उद्देश्यों की मैंने चर्चा की है, क्या आप उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं? यदि आप इस वार्तालाप में जो भी बिंदु मैंने रखे हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित ही इस लक्ष्य में सफल होंगे, ऐसी मुझे आशा है। आपने इसको सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।